फ्री भी हो गया आजकल। डायबिटीज के कई सारे प्रकार आते जा रहे हैं, लेकिन ये मोटा मोटा कर समझने के लिए व्हाट इज डायबिटीज, इसको समझने के लिए आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। एज एजुकेटर जब लोगों को समझाएंगे, हमें तो पता ही है लोगों कैसे समझाएंगे। अब देखिए, हम एयरपोर्ट में जाते हैं और हवाई जहाज में सीधे जंप करके नहीं बैठ जाते, एक बस होती है, वो बस के अंदर जाते हैं, बस हमें हवाई जहाज तक छोड़ के आएगी, तभी हम हवाई जहाज में चढ़ पाएंगे, राइट। सो हमारे और हवाई जहाज के बीच में एक बस है, वो बस अगर नहीं होगी या बस के अंदर हमें चढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप द एरोप्लेन। सिमिलरली आपके बॉडी के अंदर जो हर सेल है, उन सेल को ग्लूकोज की जरूरत होती है, जो कि ब्लड ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन वो जो ग्लूकोज है वो डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती, जैसे आप डायरेक्टली हवाई जहाज के अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो उसके लिए बस की जरूरत पड़ी। उस बस का नाम क्या है, एनीबॉडी? इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन वो बस है जो ब्लड से ग्लूकोज को या शुगर को या एनर्जी को, जो भी नाम देना चाहें उसको दे सकते हैं, उठाती है और सेल के अंदर छोड़ के आती है वो बस। अब इमेजिन कीजिए कि बस तो है, राइट, बस इज देयर, लेकिन बस का दरवाजा बंद है, तो बस होने का कोई फायदा है नहीं है, राइट। तो मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि इंसुलिन तो बॉडी बना रही है, लेकिन इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट, राइट, लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर रही है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही, खूब इंसुलिन बन रहा है बॉडी में, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही, इंसुलिन रेजिस्टेंट मतलब दरवाजे बंद है। फिर क्या होता है, कुछ यात्री क्या होते हैं जो थोड़े से चलाक होते हैं, उस बस के दरवाजे को धक्का मार के या उसके छत पे चढ़ के किसी भी तरह से हवाई जहाज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इंसुलिन रेजिस्टेंट में भी ऐसा ही होता है कि ज़्यादा कुछ खाना, राइट, वो फिर भी सेल्स तक पहुंच जाते हैं, यानी कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट से आप मरेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एनर्जी पहुंचते रहेगी, लेकिन थके थके रहेंगे, भूख ज़्यादा लगेगी, राइट। और ऑन द अदर हैंड, जब इंसुलिन ज़्यादा सर्कुलेट होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट मतलब बस तो खूब सारी है लेकिन वो दरवाजे बंद हैं, राइट। अब इमेजिन कीजिए, आप एयरपोर्ट के मैनेजर हैं, संभाल रहे हैं और देख रहे हैं लोग बहुत सारे खड़े हैं क्यू में और हवाई जहाज खाली है, तो आपने सोचा बस और भेज देता हूँ, और भेज, आप बस तो भेजते जा रहे हैं, सारे के सारे के दरवाजे बंद हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं लोग अभी भी हैं तो और बस भेज रहा हूँ। आप ये देखना भूल गए कि बस होते हुए भी लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं, दैट इज उसका बस का दरवाजा बंद है, कि इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, यानी कि बॉडी इंसुलिन बना रही है लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही है, तो हमारा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज कहाँ पे होता है, अंदर एक छोटा सा ऑर्गन है इसके पीछे, राइट, छोटा सा ऑर्गन है, भिंडी को इमेजिन कीजिए, वो बस बनाने की फैक्ट्री है, इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री है, राइट। तो उसको ये दिमाग में बिठा दिया गया है पेनक्रियाज के, कि जब भी लोग बाहर ज़्यादा खड़े दिखाई दें और जब भी आपका हवाई जहाज खाली दिखाई दे, आपको और बस भेजना है। तो एक तरफ तो इंसुलिन रेजिस्टेंट है ही, यानी कि और ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है, लेकिन इंसुलिन बनने से क्या मामला बन जाएगा, मामला कैसे बनेगा, जो बस ऑलरेडी है उसके दरवाजे खुल जाए, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये छोटा सा एक ट्रिक है कि इंसुलिन बॉडी बना रही है भरपूर इंसुलिन, लेकिन ज़्यादा इंसुलिन होने से एक और दिक्कत होती है, ज़्यादा अगर बस वहाँ पे घूमेंगे, खूब सारे बस ही बस हो जाएंगे, तो हवाई जहाज ही नहीं चल पाएगा, राइट, वो पूरा एयरपोर्ट बस से ही भर जाएगा। तो बॉडी भी ऐसे ही करती है, जब ज़्यादा इंसुलिन सर्कुलेट होता है बॉडी में, तो बॉडी में ट्यूमर बनने लगते हैं, और ट्यूमर जब ज़्यादा ग्रो करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, दैट इज कॉल्ड कैंसर, राइट। तो अक्सर डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड कैंसर। इंसुलिन रेजिस्टेंट से ज़्यादा इंसुलिन बनेगा, ज़्यादा इंसुलिन सर्कुलेट होगा, तो दैट विल लीड टू कैंसर, ये कनेक्शन है, राइट। अब इसे जो मैंने आपको बताया, बस तो है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रही, इट इज कॉल्ड डायबिटीज टाइप टू, राइट। अब डायबिटीज टाइप वन क्या है, बस ही नहीं है, राइट, वेरी सिंपल, कि भाई यहाँ यात्री खड़े हैं, यानी कि यहाँ पे फ्यूल है, एनर्जी है, ग्लूकोज है, और वहाँ पे सेल्स यानी कि हवाई जहाज वो खाली पड़ा हो, वो स्टाफ कर रहे हैं, वो भूखे हैं, राइट। खाना पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है लेकिन वो सेल्स तक नहीं पहुँच रहा, बिकॉज सेल्स तक पहुँचाने वाला जो मीडियम है, वॉट इज दैट, इंसुलिन, वो बॉडी बना ही नहीं रही, या फिर थोड़ा सा बना रही है, वो सफिशियंट नहीं, ऑलमोस्ट नील की तरह बना रही है, दिस इज कॉल्ड डायबिटीज टाइप वन। छोटा सा ही फर्क है, लेकिन दोनों केसेस में रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज द सेम इन बोथ द केसेस, द रिजल्ट इज कि अल्टीमेटली यात्री यानी कि फ्यूल यानी कि एनर्जी यानी कि ग्लूकोज यानी कि शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा पा रही, राइट। तो डायबिटीज टाइप वन और टाइप टू इज सेम, एक में बस बन तो रहा है लेकिन बस जो है वो बंद है, डायबिटीज टाइप टू, और बस ना हो तो क्या है,
टाइप वन। अब इमेजिन कीजिए आप एयरपोर्ट को संभाल रहे हैं, आपके एयरपोर्ट में बस ही नहीं है, एयरपोर्ट की अपनी बस, तो आप क्या करेंगे, बाहर से किराए पे लाएंगे, राइट? रोज बोलेंगे, रोज भाई आज 4 बस भेज देना, आज 5 बस भेज देना। तो डायबिटीज टाइप वन वालों को बस किराए पे लाना होता है, यानी कि रोज इंसुलिन लगाते हैं, रोज इंसुलिन लगाते हैं। अच्छा, इंसुलिन क्यों लगाते हैं, उसको पी क्यों नहीं लेते, खा क्यों नहीं लेते? इंसुलिन का गड़बड़ क्या है कि ये जो लिवर है वो इंसुलिन को पहचानता अच्छी तरह से, राइट? बाहर वाले इंसुलिन को, अंदर वाले इंसुलिन को। तो लिवर इंसुलिन जब पेट में जाता है उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर पाता है 100%, चाहे कितना भी हाई डोज। आपको हाफ लाइफ डोज याद है, मैंने बताया था हाफ लाइफ डोज, या हाफ लाइफ डोज का मतलब है कि कितना हम ज्यादा दें कि आधा ही लीवर आधे को ही रोक पाए। इन केस ऑफ इंसुलिन कितना भी इंसुलिन मुंह से दे दो लीवर पूरे को ही रोक पाता है, यानी कि इंसुलिन मुंह से जा ही नहीं सकता। तो अब डॉक्टर क्या करेगा, कोई साइंटिस्ट क्या करेगा कि लीवर को बाईपास कर देंगे, लीवर को के बिना ही बॉडी में पहुंच जाए। वो कैसे होगा, जब आप इंजेक्शन लेंगे तो लीवर के बिना पहुंच जाएगा वो, राइट? तो इसीलिए इंसुलिन को हम टैबलेट के रूप में नहीं ले सकते या टॉनिक के रूप में नहीं ले सकते, और लेंगे भी तो वो बाहर निकल जाएगा, वो तो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने से पहले लीवर बोलेगा भाई तुम रुको, तुम कौन आ गए यहाँ पे, तुम्हारी कोई जगह नहीं है, इट विल थ्रो इट आउट, राइट? सो दैट इज अबाउट द डायबिटीज। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा अनुमान दिया व्हाट इज डायबिटीज, एंड विद बिलीव कि डायबिटीज क्या है ये तो आपको पहले भी पता है, एंड लेकिन लोगों को बताने के लिए दिस मेटाफर मतलब ऐसे उदाहरण जो लोगों को ऑलरेडी पता है, जैसे एयरपोर्ट क्या होता है लोगों को पता है, बस क्या होता है लोगों को पता है, राइट? कई बार लोग ऐसे एनालॉजी यूज करते हैं जैसे ताला और चाबी का। हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं हर सेल में एक ताला लगा हुआ है, राइट? वो ताला खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, तभी एनर्जी या शुगर अंदर जाएगा, तो उसके लिए चाबी की जरूरत है। तो इंसुलिन इज लाइक ए की, और वो की बनाने की फैक्ट्री कौन सी, मैंने आपको अभी बताया था, पेनक्रियास, पेनक्रियास मेक दैट की। अब जो डायबिटीज टाइप वन वाले बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चों को होता है, डॉक्टर बोलता है इनका पेनक्रियास काम करना बंद कर दिया, यानी कि इंसुलिन की फैक्ट्री बंद हो गई। तो दिस मीन्स इंसुलिन की फैक्ट्री तो बंद हो गई, तो इंसुलिन आपको चाहिए, इंसुलिन के बिना तो वो ताला खुलेगा ही नहीं, और खुलेगा नहीं तो सेल के अंदर एनर्जी जाएगी नहीं, तो इंसान मर जाएगा कुछ दिनों में। तो फिर डॉक्टर बोलता है आप ऐसा करो कि आप वो जो चाबी बनाने की फैक्ट्री आपकी खुद की तो बंद है, लेकिन मेरी चाबी बनाने की फैक्ट्री खुली हुई है, वो खुली रहेगी, तो आप मुझसे इंसुलिन या दुकान से आप इंसुलिन रोज खरीद लिया करो, राइट? और लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके बॉडी को कितने मात्रा में इंसुलिन चाहिए इस वक्त, वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में अनगिनत सेल्स, ईच ऑफ द सेल्स को कितने कितनी एनर्जी चाहिए, और वो एक टोटली वेरिएबल चीज़ है, राइट? ऐसा नहीं कि जब आप खाली बैठे हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी कंजम्पशन कम हो रही है। कई बार हम खाली बैठे रहते हैं लेकिन कई बार हम डिप्रेशन में होते हैं या गुस्से में होते हैं, नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, खाली बैठे बैठे थकान का ऐसा होता है ना, राइट? तो इन स्पाइट ऑफ सिटिंग आइडल स्टिल हम एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो तब भी हमें ज़्यादा चाबी की जरूरत है कि कम चाबी की जरूरत है, ज़्यादा, राइट? लेकिन वो कौन काम करता है, वो किसको पता है, वो आपको पता नहीं है, वो आपके बॉडी के सेकेंड ब्रेन को पता है, दैट इज दिस लिवर। वो लीवर लगातार कैलकुलेट करता है कि आपके बॉडी को पल पल कितनी इंसुलिन कितनी चाबी चाहिए, और वो लगातार बना रहा है। लेकिन जब आप बाहर से लेंगे तो आप अंदाजे से लेंगे, वो अंदाजा इतना अंदाजा है कि वो कभी रियलिटी करीब भी नहीं आ सकता, इट कैन नेवर बी क्लोजर टू रियलिटी। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात जो डॉक्टर्स छुपाते हैं या तो उनको पता ही नहीं है, राइट? या वो आपको बताना नहीं चाहते, मेरे ख्याल से उनको पता नहीं है, यही ठीक रहेगा। मैं अक्सर इस तरह कॉन्फ्रेंस होते हैं, मेरा अगला कॉन्फ्रेंस है 12 तारीख को, दैट इज महासा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेडिकल सारे प्रोफेसर होंगे उनके लिए है। अभी पिछले महीने यहाँ पे हरियाणा में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में मेरा लेक्चर था, सो डॉक्टरों से मिलने का या उनको ट्रेनिंग देने का मौका मिलता रहता है, तो अक्सर मुझे ये लगता पता चलता है कि अरे ये तो उनको पता ही नहीं था। सो यानी कि हमें ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर्स को सब कुछ पता होगा, बट रियलिटी इज कई बार डॉक्टर बोलते हैं मैंने पूछता आपको ये नहीं पता आपने क्या किया, वो कहते हैं हमने MD किया है। MD का मतलब पता, मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स। तो उन्होंने MD किया, वो मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स वही तो कर रहे हैं वो, राइट? तो एक इंटरेस्टिंग बात जो कि हर डॉक्टर को तो क्या है, किसी को भी बायोलॉजी का ज्ञान है तो पता होना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं होता, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे एक लीवर के पीछे एक छोटा सा ऑर्गन है पैनक्रियास, वो फैक्ट्री है, किसकी फैक्ट्री, इंसुलिन की। इंसुलिन का काम क्या है, वो बॉडी के हर सेल्स में फ्यूल को यानी कि एनर्जी को अंदर ढकेलता है, राइट? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये काम इंसुलिन अकेला नहीं करता है, एक्चुअली बॉडी का जो वो फैक्ट्री है वो दो
दो तरह की चाबी बनाती है। आपने कभी देखा जब आप लॉकर होता है किसी बैंक में, लॉकर होता है किसी के पास, तो लॉकर खोलने के लिए कितनी चाबी की जरूरत पड़ती है? दो, राइट? तो ठीक उसी तरह से बॉडी इंसुलिन और एक और चाबी बनाती है, उसका नाम है एमाइलिन, इंसुलिन एंड एमाइलिन। और वो दोनों चाबी मिलके तब जाके सेल्स के दरवाजे ठीक से खुलते हैं और तब फूट जाता है अंदर। इंसुलिन के बारे में तो बच्चे बच्चे को पता है, एमाइलिन के बारे में क्यों नहीं पता? एमाइलिन के बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि इंसुलिन तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बना लिया, डुप्लीकेट कर लिया, फैक्ट्री में बन सकती है, एमाइलिन फैक्ट्री में नहीं बन सकती। तो ना तो वो हमारे बुक्स में, टेक्स्ट बुक में फिर उसकी जगह है कोई, क्योंकि फैक्ट्री में बन नहीं सकती, अगर बनेगी नहीं तो वो बिक नहीं सकती, तो उसमें कोई कमर्शियल वैल्यू है ही नहीं। अभी रिसेंटली पिछले एक साल में यूएस में एक कंपनी ने एमाइलिन बनाना शुरू कर दिया है और वो एमाइलिन यूएस में बिक रहा है, बाकी दुनिया में नहीं बिक रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ अगले एक साल तक जितना इंसुलिन सब जानते हैं उतना ही एमाइलिन भी फेमस हो जाएगा और इंसुलिन लेने वाले लोग दो दो इंजेक्शन लेंगे, एमाइलिन एंड इंसुलिन दोनों का, राइट? सो वो एक मूवी देखी थी लंगड़ा त्यागी, याद है आपको लंगड़ा त्यागी? मूवी का नाम बताइए क्या है? ओमकार, राइट? तो अगर हमारे पास एक टांग हो तब भी हम सारे काम कर लेंगे, लेकिन लंगड़ा लंगड़ा भी करेंगे, लंगड़ा त्यागी की तरह, राइट? सो एक टांग से काम तो हो जाएगा, जो काम करना चाहेंगे रुकेगा नहीं, लेकिन उतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली बॉडी के सेल्स के अंदर एनर्जी को जाने के लिए इंसुलिन से तो चला जाएगा, लेकिन इन रियलिटी वो दो टांगे हैं, एक है इंसुलिन, दूसरा क्या है अभी बताया था मैंने आपको, एमाइलिन। तो आपने इंसुलिन तो ले लिया, एमाइलिन तो लिया ही नहीं। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो तो अभी बना नहीं पा रही है कंपनीज, अभी बना लेगी तो वो भी बोलेगी अब तो ये भी लो, तो दो तरह के इंजेक्शन हो जाएंगे, राइट? और बॉडी जब बनाती है इंसुलिन तो अगर वो 100 यूनिट इंसुलिन बनाती है तो एक यूनिट एमाइलिन बनाती है, तो एमाइलिन इतना पावरफुली वर्क करता है, एमाइलिन का एक यूनिट इंसुलिन का 100 यूनिट। तो जो लोग अभी इंसुलिन, मान लो कई लोग बोलते हैं पेशेंट मैं तो 60 यूनिट ले रहा हूँ पूरे दिन में इंसुलिन, जब एमाइलिन बनने लगेगा, राइट, तो वो 60 यूनिट की जगह आधा यूनिट एमाइलिन ले लेंगे तो भी बॉडी में काम करेगा, राइट? लेकिन हमें तो ये कुछ ऐसा करना है कि बॉडी का काम बॉडी करे तो अच्छा है, वो काम हम ना लें, राइट? बॉडी का फैक्ट्री को खोल दें, बॉडी अपना काम करे, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, rather than taking that on ourselves, खुद पे लेने की। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट। थैंक यू।